हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड. टुडे आई एम हियर टू टीच यू द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम योर इंग्लिश बुक क्लास 7th. नेम ऑफ द लेसन इज द एंजल ऑफ पीस, लेसन नंबर 14. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन, लेट्स टेक अ रिकैप. हमने पढ़ा बच्चों मदर के बारे में पार्ट 1 में. माँ, जिसे हम जानते हैं मदर टेरेसा के नाम से. मदर नाम अपने आप में एक सम्मानित था उनके लिए. एक सम्मान देने के लिए हम उन्हें मदर के नाम से पुकारते थे. आपने पार्ट 1 में देखा, लेसन के पहले भाग में देखा, किस प्रकार से माँ ने बेसहारा लोगों के लिए घर मांगा, अनाथ बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी अरेंज करती थी, और जो मर रहे लोग उनको वो हॉस्पिटल में एडमिट करती थी. कितनी दया से भरी हुई महिला थी. गरीबों को भोजन कराना, उन पे दया करना, और ऐसे ही चैरिटी से गरीबों की मदद करना ही उनकी क्वालिटी थी. वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखती. उन्होंने पूरा जीवन गरीबों की सेवा में ही समर्पित कर दिया. तो आइए और उनकी कुछ अच्छाइयों को जानते हैं लेसन के दूसरे भाग में. बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मेरा एक प्रश्न आपसे है. नेम सम पीपल इन योर एरिया हु हेल्प द पुअर. आपके एरिया में, आपके भाग में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों की मदद करता है, उसका नाम बताइए. रिटर्निंग टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, शी बिगेन कलेक्टिंग चिल्ड्रेन टू टीच देम हाइजीन. शी सॉट अ सेंटर फॉर हर वर्क. कलेक्टिंग मीन्स एकत्रित करना. हाइजीन मीन्स स्वच्छता. रिटर्निंग टू द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता, कोलकाता की गलियों में लौटते हुए शी बिगेन, उन्होंने शुरू कर दिया कलेक्टिंग चिल्ड्रन, बच्चों को इकट्ठा करना. टू टीच देम हाइजीन, उन्हें टीच करने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए. किसके बारे में? हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में. शी सॉट अ सेंटर फॉर हर वर्क, और वह अपने इस कार्य के लिए एक स्थान की तलाश में थी, एक जगह की तलाश में थी. When a family offered room on the top floor of their large house, she appointed some assistants, eventually 26 in all, who formed the nucleus of the missionaries of charity. Now, their number is more than 700, mostly young Indians. Appointed means niyukt. Charity means paropkar. When a family offered room on the top floor, जब एक फैमिली ने उन्हें ऑफर किया, उनके पास प्रस्ताव रखा कुछ रूम्स के लिए, on the top floor of their large house, जो कि उनके घर के, उनके बड़े से घर के, लार्ज हाउस मतलब बड़े से घर के टॉप फ्लोर में था, सबसे ऊंचे माले में था. She appointed some assistant. उन्होंने, मदर टेरेसा ने अपॉइंटेड मीन्स नियुक्त कर दिया, कुछ सहायिका उन्होंने अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया. इवेंचुअली 26 इन ऑल, अंत में वो 26 थे. हु फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. वो मिशनरी ऑफ चैरिटी के न्यूक्लियस थे, मतलब नाभिक थे, केंद्र बिंदु थे वो 26 लोग, सेविकाएं. नाउ देयर नंबर इज मोर देन 700, और अब उसकी संख्या 700 से भी ज़्यादा है. उनमें से मोस्टली यंग इंडियंस, ज़्यादातर भारतीय नवयुवती और नौजवान हैं. शी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, ट्रेवल्ड बाय सेकेंड क्लास ऑन ट्रेन, गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज टू स्क्रब फ्लोर्स. शी चेरिश्ड सिंप्लिसिटी एंड वॉर अ शॉल मोर डार्न्ड देन नीडेड. नीज मीन घुटनों, स्क्रब मीन्स रगड़ कर साफ करना, चेरिश्ड मीन्स महत्वपूर्ण समझना, डार्न मीन्स रफू किया हुआ. शी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, वो बहुत ही साधारण जीवन जीती थी. ट्रेवल्ड बाय सेकेंड क्लास ऑन ट्रेन, ट्रेन में सेकेंड क्लास में ही वो सफर करती थी. गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज टू स्क्रब फ्लोर. वो गॉट डाउन ऑन हैंड्स, अपने हाथ और घुटनों में वो नीचे बैठती थी, टू स्क्रब फ्लोर,
स्क्रब मीन्स रगड़ कर वह फ्लोर को, जमीन को साफ करती थी। इतनी सरल थी वो, उनको सादगी में रहना ही पसंद था। शी चेरिस्ड सिंप्लिसिटी, चेरिस्ड मतलब महत्वपूर्ण समझना, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी को ही बहुत ही महत्वपूर्ण समझती थी। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को सरल स्वभाव में रहना चाहिए। एंड वॉर अ शॉल, और वो एक शॉल ओढ़ती थी। आपने देखा ही होगा चित्र में, आप देखते होंगे कि वो एक शॉल को ओढ़ी रहती हैं, हमेशा वो एक शॉल ओढ़ी रहती थी। मोर डार्न्ड देन नीटेड, वो बुना हुआ, नीटेड मीन्स बुना हुआ, वो बुना हुआ कम रहता था, ज़्यादा वो उसमें डार्न्ड मतलब रफू किया हुआ दिखता था। मतलब उनके शॉल में इतने छेद होते थे कि वो उसमें रफू कर करके भी उसे पहनती थी, वो नया शॉल नहीं खरीदती थी। शी सॉ इन द पुअर वॉट अदर्स ऑफन फेल टू सी, देयर लोनलीनेस, देयर ह्यूमर, देयर ऑनेस्टी एंड देयर करेज। आई एम एंशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, शी सेड। लोनलीनेस अकेलापन, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ह्यूमर मीन्स हास्य, करेज मीन्स साहस। शी सॉ इन द पुअर वॉट अदर ऑफन फेल टू सी, वो गरीबों में वो देख पाते थी जो दूसरे देखने में असफल हो जाते थे। देयर लोनलीनेस, और वो क्या क्या देखती थी, उनका अकेलापन। उन्होंने बहुत ही करीब से गरीबों को देखा था, उनके अकेलेपन को देखा था, उनकी लोनलीनेस को देखा था। देयर ह्यूमर, उन्होंने ये देखा कि गरीब भी बहुत हंसते हैं, हास्य प्रवृत्ति के होते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, मजाक कर लेते हैं। देयर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी, एंड देयर करेज, और उनका साहस। उन्होंने करीब से गरीबों को देखा था, उनके अकेलेपन को, उनके हास्य प्रवृत्ति को, उनकी ईमानदारी को और उनके साहस को। आई एम एंशियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, सी सेड। उनका कहना था कि मैं चिंतित हूँ फॉर द पीपल, लोगों के लिए, टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर, कि वो जाने उन गरीबों की महानता को। सी वंस वेंट टू हिंदू फैमिली विच हैड बीन स्टार्विंग एंड ब्रॉट देम राइस। बिफोर शी न्यू इट, द मदर ऑफ द फैमिली हैड डिवाइडेड इट एंड गिवन हाफ ऑफ द राइस टू द मुस्लिम फैमिली नेक्स्ट डोर। शी वंस वेंट टू अ हिंदू फैमिली, एक बार मदर टेरेसा हिंदू फैमिली में गई, विच हैड बीन स्टार्विंग, जो भूखे मर रहा था, जो स्टार्व कर रहा था, बहुत भूख में थे, उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। एंड ब्रॉट देम राइस, और उनके लिए वो राइस लेकर आई थी। बिफोर शी न्यू इट, उनके जानने से पहले, द मदर ऑफ द फैमिली, जिस फैमिली वो गई थी, उनकी जो मदर थी, उनकी जो माँ थी उस फैमिली की, हैड डिवाइडेड इट, उस राइस को उन्होंने डिवाइड कर दिया, मतलब विभाजित कर दिया। एंड गिवन हाफ ऑफ द राइस टू द मुस्लिम फैमिली, और उसमें से आधा चावल को उस हिंदू फैमिली की माँ ने मुस्लिम फैमिली को दे दिया था, जो कि उनके नेक्स्ट डोर में था, मतलब नेक्स्ट डोर मीन्स उनके घर के बगल में था। शी सेड दैट दे वर जस्ट एज हंग्री एज हर फैमिली वॉज। आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस, सेड मदर टेरेसा। शी सेड, उस हिंदू फैमिली की मदर ने कहा, दैट दे वर जस्ट एज हंग्री एज हर फैमिली वॉज, कि उनकी फैमिली, किनकी फैमिली, वो मुस्लिम फैमिली उतनी ही भूखी थी जितनी की हमारी। आई बिलीव, मदर टेरेसा का कहना है, आई बिलीव वी नीड द पुअर, आई मेरा विश्वास है कि हमें गरीबों की ज़रूरत है। वी नीड द पुअर, नीड मतलब ज़रूरत, हमें गरीबों की ज़रूरत है। एज मच एज दे नीड अस, उतना ही ज़रूरत है, एज मच एज उतना ही ज़रूरत है जितना कि उनको हमारी, सेड मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने ऐसा कहा। हाउ डू यू हेल्प योर नेबर्स, आप कैसे अपने नेबर्स की मदद करते हैं। द वुमेन इन द वाइट साड़ी विथ अ ब्लू बॉर्डर, मदर टेरेसा टिल हर डेथ
had no money, no property, no saving of her own. The woman in the white sari, जो आप औरत देख पा रहे हैं जिन्होंने व्हाइट साड़ी पहनी हुई है विद अ ब्लू बॉर्डर, जिसमें नीले रंग की पट्टी है, जिस साड़ी में नीले रंग की पट्टी है, वो है मदर टेरेसा। टिल हर डेथ, उनकी मृत्यु तक, हैड नो मनी, उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। नो प्रॉपर्टी, कोई जायदाद नहीं थी उनके पास। नो सेविंग ऑफ हर ओन, उनकी खुद की कोई सेविंग नहीं थी। सेविंग मतलब बचा हुआ पैसा, मतलब उनके पास अपना खुद की कोई संपत्ति नहीं थी उनकी मृत्यु तक। बट हर रियल वेल्थ वॉज हिमालयन इन साइज, 7,500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल्स, 9,60,000 पेशेंट्स केयर्ड फॉर इन 213 डिस्पेंसरीज, 4,700 विक्टिम्स ऑफ लेप्रसी इन 54 क्लिनिक्स, 1600 abandoned or orphan children in 20 homes, and 3400 destitute or dying people in 23 homes. All this in 35 cities and towns in India and in a dozen other countries. जैसा कि आपने जाना कि माँ के पास मरते तक कुछ भी नहीं था, ना उनकी खुद की संपत्ति थी, ना उनकी जायदाद थी, कुछ भी नहीं। लेकिन बट हर रियल वेल्थ, लेकिन उनकी असली संपत्ति क्या थी, वॉज हिमालयन इन साइज, लेकिन उनकी असली संपत्ति हिमालय पर्वत, आपने सुना होगा नाम हिमालय पर्वत का, उतनी बड़ी साइज की उनकी संपत्ति थी। और वो संपत्ति क्या थी, 7,500 चिल्ड्रेन इन 60 स्कूल, 7,500 बच्चे 60 स्कूलों में थे, 9,60,000 पेशेंट केयर्ड फॉर इन 213 डिस्पेंसरीज, 213 डिस्पेंसरीज में 9,60,000 पेशेंट थे जिनकी देखभाल की जा रही थी, 4,700 विक्टिम्स ऑफ लेप्रसी, कोड से पीड़ित लोग थे 4,700 इन 54 क्लिनिक्स, जिनकी देखभाल 54 क्लिनिक्स में की जा रही थी, 1600 abandoned और orphan children, 1600 बेघर लोग, abandoned और orphan children थे। orphan मतलब बेसहारा, जिसके माँ बाप ना हो, ऐसे बच्चे थे इन 20 होम, जिन्हें 20 घरों में रखा गया था, अनाथ बच्चे, एंड 3,400 destitute और dying people, 3,400 बेसहारा लोग थे, बेघर लोग थे, और डाइंग पीपल, और मर रहे लोग थे इन 23 होम्स, जिन्हें 23 घरों में रखा गया था। ऑल दिस इन 35 सिटीज, ये 35 शहरों में था, एंड टाउन्स और कस्बे में, इन इंडिया, भारत में, मतलब ये भारत के 35 शहर और कस्बे में था, एंड इन अ डजन अदर कंट्रीज, और ऐसे ही दर्जनों दूसरे देशों में भी था। टुडे इवन दो शी इज नॉट विथ अस एनीमोर, शी इज स्टिल लव्ड बाय द पुअर एंड द नेग्लेक्टेड, रेस्पेक्टेड बाय द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, एडमायर्ड बाय द हिंदूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस अलाइक फॉर हर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू द पुअर दैट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स। टुडे इवन दो शी इज नॉट विथ अस एनीमोर, आज हालांकि वो हमारे साथ नहीं है, शी इज स्टिल लव्ड बाय द पुअर्स, लेकिन आज भी उन्हें गरीबों के द्वारा बहुत प्यार किया जाता है, एंड द नेग्लेक्टेड, और गरीबों के साथ साथ ऐसे लोग जिन्हें नकार दिया गया है, समाज से बेदखल कर दिया गया है, नेग्लेक्टेड लोगों भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, रेस्पेक्टेड बाय मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी में, एडमायर्ड बाय हिंदूज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस अलाइक, और उन्हें सराहा जाता है हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के द्वारा, बिल्कुल एक समान, कोई भेदभाव नहीं है माँ के लिए, सबका प्रेम बिल्कुल एक जैसा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, फॉर हर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू द पुअर दैट ट्रांसेंड्स ऑल बैरियर्स।
आजीवन प्रतिबद्धता के लिए उन्होंने सभी बाधाओं को पार कर दिया। बैरियर्स मतलब बाधाएं। तो बच्चों ये लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। मदर टेरेसा के जीवन ने आपको अंदर तक आपको छुआ होगा और आप जरूर प्रभावित हुए होंगे। चलिए बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सी सॉ इन द पुअर ऑप्शन ए लोनलीनेस, करेज, ह्यूमर एंड ऑनेस्टी। ऑप्शन बी करेज, ग्रीडीनेस, ह्यूमर एंड ऑनेस्टी। ऑप्शन सी लोनलीनेस, कनिंगनेस, ऑनेस्टी एंड करेज। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन ए लोनलीनेस, करेज, ह्यूमर एंड ऑनेस्टी। दूसरा प्रश्न है, मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 26, 1910। व्हेन डिड शी डाई? ऑप्शन ए सेप्टेम्बर 2000। ऑप्शन बी सेप्टेम्बर 2002। ऑप्शन सी सेप्टेम्बर 1997। ऑप्शन डी सेप्टेम्बर 1989। यस, जी हाँ बच्चों, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सेप्टेम्बर 1997। बच्चों अब बारी है आपकी होमवर्क की। व्हाट इन्फ्लुएंस्ड मदर टेरेसा फॉर द पुअर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को बताना है। थैंक यू।